पहले तो यार इनकी कश्ती देखे माशाल्लाह। ये कहना कमरे तू लाला कंडक्टर है ए ड्राइवर है 50 फुट पानी ई जाते। यार उस बंदे ने मुझे मोबाइल लिया है कि यार मेरी वीडियो बनाओ। जी तो अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ड्रेसिंग के किनारे और प्लान बन गया हमारा कि हम इस कश्ती पर थोड़ा सा अच्छा उनके पास 200 मेरे पास 300 ना हूँ मुक्की के है 150 थे इवें छोटा जिवें चक्कर लाने ऐसा कोई दरिया तो जो रहे ना पानी तो तार नहीं कितना फुट पानी है अंदाजन 50 फुट पानी ई जाते कम से कम 12 फुट हो सी। ये दो लड़के कह रहे हैं कि 50 फुट पानी है। चाचा बैठा चाचे को एक्सपीरियंस है पिया चाचे बल्कि दो चाचे बैठे हैं। चाचा कितने फुट तो पानी हो सी। देख चाचा था सर्दियां जिता फुल सटन आने हैं सारी झा डिठी फाली पानी चलता है ना जेले से। हां चलो खुदाई करा दे जेले पानी वाते बांध देना ऊंचे रेत बांध दिया गाठी चलते पानी जिता हुन तल्लू रेत निकल गई हो सी निकदी चलता रहने ना। हां निकल दी चले के राइट तक मैं ना ये देखें धामनी का सीन बना हुआ है उन्होंने अपना सीन बनाया हुआ है फुल सीन आना है। तो जनाब इस कश्ती पे थोड़ा सा दरिया का चक्कर लगाते हैं और आपको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो आ जाओ मुश्तबा इनोवा सो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो यार इनकी कश्ती देखे माशाल्लाह। ये कहना कमरा है अंदर देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त यार अंदर तो सही सीन है वाकई सही कमरा बना हुआ है। और ये नक्शो निगार देखें कश्ती के ऊपर। अगर आप दरिया किनारे या दरिया के अंदर भी इवन के जाते हैं सैर करने के लिए और रात अगर आपको स्टे करना पड़ जाए तो ये तो काफ़ी 2-3 बंदों के अंदर रहने की जगह है। तू लाला कंडक्टर है ए ड्राइवर है तो ये ड्राइवर हैं और उसके साथ साथ में ये वाले भाई साहब हमारे कंडक्टर हैं। रस्सा खुल गया है और इसके बाद अब जनाब कश्ती हमारी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे जाएगी बगैर जनरेटर तो केड़ी चले सी। यार उस बंदे ने मुझे मोबाइल लिया है कि यार मेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो क्यों ना अपनी वीडियो बना लो। तो यार देखो दरिया पे आप आएँ और दरिया पे आने के बाद आप ना कश्ती पे ना बैठें ऐसा मुमकिन नहीं है। ये इस वाले भाईजान की फरमाइश पर कश्ती हमने बीच पानी के ठहरा दी है। ये आपको पता हो पानी तकरीबन यहाँ पर 50 फीट है। मुश्तबा मुझे तो तैरना आता है और ये तो वाकई तैराक हैं मुझे तुम्हारी फिक्र है। बचा किन से जो अगर मैं तो चौखे पैसे जमा तो एक उसी सट्टी जुलूँ था इसको यहाँ फेंकने के इसको इसको इस बंदे को यहाँ फेंकने की मैं सिफारिश दे रहा हूँ इन दो बंदों को तो कौन लेगा। लाला मैं ऐलान करे ना कि अगर मैं को कुछ भी दिया तो जिम्मेदार ही हो सी। ये हमारे इकराम और खलील भाई हैं तो इनसे थोड़ा सा हम गपशप लगाते हैं। इकराम और खलील मुझे ये बताएं कि दिन में कितने चक्कर कम से कम आपके लग जाते हैं ये सारा राउंड लगवाने के कितने लोग आपके पास आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं होता हम ऐसे लगे जाते हैं चले जाते हैं। ठीक है कैसे होता है तो 3 चक्कर 2 चक्कर 5 4 इससे ज़्यादा नहीं लगता नहीं। और जुमे वाले दिन को 10 चक्कर 8 चक्कर 6 ये सारे मतलब मर्द ही होते हैं लड़के वड़के होते हैं या फैमिलीज भी होती है। फैमिली भी होती है बच्चे भी। अच्छा तो कितना तकरीबन राउंड लगवाते हैं एक कैसे तुमको लगवाया
सही। तो खर्चा फिर कैसे बाकी दिनों में कैसे बराबर करते हैं? ये तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाती होगी, डीजल भी महंगा हो गया है, ये तो आपको बिल्कुल बारे में नहीं होती होगी। ठीक है, तो इस कश्ती में कितनी कैपेसिटी है, कश्ती में कितने लोग आ जाते हैं आपके? 100 बंदा आराम से ले कर जाते हैं। 100 बंदा आ जाता है? अल्लाह रहम करे, फिर ऐसी कश्तियाँ डूबती हैं कश्ती। ये ठीक है आपकी कश्ती बड़ी है, लेकिन हम पता है ना ये 200 बंदा उठा दिया है। अच्छा, लेकिन हम 100 बंदा इस बार ले कर जाते हैं। 100 बंदा, तो फिर ये कुर्सियाँ तो आपने टोटल 4 रखी हुई हैं, और ये बस अकेले होते हैं तो ये खड़े होते हैं बस इन्हें साइडों पे और यहाँ वहाँ बैठे हुए होते हैं। वैसे कश्ती माशाल्लाह इनकी बड़ी है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजिम है। और इस वक्त सलील और इकराम ने हमारी फरमाइश पर जनाब कश्ती को बीचों बीच पानी के ठहरा दिया है, ताकि थोड़ी देर हम इस पानी को महसूस कर सकें, इससे इंजॉय कर सकें। और यहाँ की सीन्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब वो दरिया बंद की सड़क जा रही है, और मौसम आप देख रहे हैं कितना दिलकश, और पानी में सूरज का अक्स भी पड़ रहा है। वो सामने जनाब महकमा मौसमियात वाला रोड, और ये सारे का सारा सीन आप देख रहे हैं बेहतरीन। वैसे जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, सूरज ग़ुरूब होना शुरू होता है, वैसे वैसे यहाँ के नज़ारे ही देखने लायक होते हैं। तो चलें, हाँ चलो बिस्मिल्लाह चलें भाई, वापसी का सफ़र शुरू। और जनाब हमारा सफ़र यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। बहुत दूर से हम राउंड लगा कर आ रहे हैं वापस अपने ठिकाने पर। कश्ती हमारी साहिल लगने वाली है, और अब इंशाल्लाह हम यहाँ से वापस। तो जैसे ही ये रुकती है, बहुत मज़ा आया भाई, चस आ गया, मज़ा आ गया है। काफ़ी मुद्दत के बाद सीन किनारे आके हमने यहाँ की सैर की है, और मज़ा आ गया है। कैसा लगा जवान? बहुत मज़ा आया साची, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। जै डेरे आया तो जै डेरे आ गए तो कश्ती से नहीं बैठा हूँ, सारा में वही अपॉर्चुनिटी मिल जाती। ये भाई साहब हमारे लाहौर से आए हुए हैं। ठीक हो गया जनाब, तो ये थी हमारी आप तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने कश्ती की सैर को इंजॉय किया होगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।